नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, इंडिया अलायंस में तमाम जो घटक दल है उनके बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। तमाम जो घटक दल है उसके बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। कल ही जो है संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी और उसमें ये क्लियर कर दिया गया कि कौन से प्रत्याशी जो है वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसके बाद जो है कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पप्पू यादव जो कि अपनी पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में कर लिए हैं, उनको लेकर के लगातार इन दिनों बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म है। पप्पू यादव जो हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से आरजेडी की जो प्रत्याशी है बीमा भारती, वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सिंबल भी दे दिया, यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से बीमा भारती का जो है टिकट फाइनल हो गया है। बीमा भारती जो है वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेगी, लेकिन पप्पू यादव लगातार पूर्णिया में कैंपिंग कर रहे थे, चाहे प्रणाम पूर्णिया की हो और भी कई तरह के जैसे कार्यक्रम लगातार पप्पू यादव कर रहे थे और तैयारी भी काफ़ी ज़ोर शोर से उनकी चल रही थी और अभी भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और उन्होंने कह दिया है कि 2 अप्रैल को जो है हम नामांकन करेंगे, पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, पूर्णिया की जनता से हमने जो वादा किया है वो निभाएंगे, पूर्णिया हमारी मां के समान है और पूर्णिया हम नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। देखिए, इसी को लेकर के लगातार जो है बिहार की राजनीति जो है वो गर्माई हुई है। पत्रकार लगातार सवाल कर रहे हैं इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम नेता से और इस पे जो है क्या जवाब देना है, इसको लेकर के एक बड़ी रणनीति तैयार करने के लिए अभी आरजेडी कार्यालय में जो है एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में तमाम जो घटक दल है इंडिया अलायंस के वो इसमें शामिल हुए हैं, चाहे सीपीआई माले के हो, आरजेडी के हो, कांग्रेस के हो, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और सभी प्रवक्ता की बैठक, यानी कि तमाम जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। और क्या आगे रणनीति होगी, क्या तैयारी होगी, क्या आगे बोलना है, हर एक बिंदु पर जो है इसमें बातचीत होगी। तकरीबन ये जो बैठक है वो 2 से 2.5 घंटे तक चलेगी। शक्ति सिंह यादव जो कि प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है आरजेडी के, उन्होंने कही है कि बैठक 2 घंटे तकरीबन चलेगी और इस बैठक में तमाम जो प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राजेश राठौर वो इसमें मौजूद है, शक्ति सिंह यादव है, सारिका पासवान है, मधु मंजरी कुशवाहा हैं और जो सीपीआई माले के हैं, सभी प्रवक्ता इस बैठक में मौजूद हैं। और आगे की रणनीति तैयार होगी, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस बिंदु पे बोलना है, तमाम तरह की रणनीति तैयार होगी और बैठक के बाद जो है हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वार्तालाप हुई है, विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से चुनाव की तैयारी को लेकर के बैठक चल रही है और पप्पू यादव को लेकर के जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है, उस पर भी बातचीत हो सकती है कि पप्पू यादव को लेकर के क्या कुछ बोलना है। जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी का विलय कर दिया और बीमा भारती जो है उसको सिंबल मिल गया और वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और लगातार वो कैंपेन कर रही, तैयारी में भी जुट गई है, तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। तमाम जो खबर है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देख रहे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।